बिजली विभाग ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी पहल की है। बिजली विभाग ने सहज सेवा वाहन चालू किया है, जिसमें आम उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का भुगतान सहज सेवा वाहन पर आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बागली के आसपास कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नहीं है। उन्हें बिजली बिल भरने के लिए कई किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है। उनकी इस परेशानी को देखते हुए एमपीबी ने अब प्रत्येक गांव में सहज सेवा वाहन चालू किया है, जिसके द्वारा ऑनलाइन बिजली का भुगतान किया जाएगा। बिजली अधिकारी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बिजली बिल भरने में कई तरह की परेशानी आती है। इसके लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर आकर बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है। इनको देखते हुए राज्य शासन ने सहज सेवा वाहन चालू किया है। ये सहज भुगतान वाहन योजना जो है वाहन है, इससे ये है कि जो सरकार के द्वारा जो बिजली बिल जो सब्सिडी दी जाती है, जिसका बिल 100 यूनिट तक 100 रुपये का जो आता है, होता क्या है कि बिजली ऑफिस से 15 से 20 किलोमीटर दूर जो उपभोक्ता गांव में रहते हैं, अब वो 100 रुपये का बिल भरने के लिए 15-20 किलोमीटर जा नहीं पाते हैं। मतलब 100 रुपये का भरने के लिए तो जाओ उतना का पेट्रोल ही जल जाए। इसलिए लोगों के लिए ये वाहन सेवा किया गया है, जिसमें एमपी ऑनलाइन से एनआईसीटी के द्वारा एमपी ऑनलाइन डायरेक्ट रसीद उसको दिया जाता है, हैंड टू हैंड पैसा लिया जाता है, उसको रसीद तुरंत उनको हाथों हाथ दिया जाता है। और इसमें यह है कि अगर बिल वो प्रति माह जमा करे तो अगले बिल में उसको 5 से 20 रुपये तक का छूट भी मिलेगा। और इस योजना का यही है कि कम से कम गांव वाले जो लोग हैं कि गांव से घर में लोग पता नहीं चल पाता है बिजली ऑफिस कितना दूर जाना है, तो कम से कम घर से पैसा दे दे और रसीद भी उनको वहीं पे मिल जाता है। कुल मिलाकर सहज सेवा वाहन से ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को आने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बागली।